जयपुर हाउस के 1008 श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति जयपुर हाउस के बैनर तले गुरुवार से 1008 श्री तीर्थंकर महावीर स्वामी जन्म कल्याणक एवं रथ यात्रा महोत्सव शुरू हो गया है। महोत्सव में पहले दिन मंदिर से माता त्रिशला की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। यात्रा में क्षेत्र के श्रद्धालु भी शामिल हुए। 18 अप्रैल से आगरा के जयपुर हाउस के टीचर्स कॉलोनी स्थित 1008 श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक उत्सव की शुरुआत मंदिर समिति के तत्वावधान में हुई। महोत्सव के आगाज के रूप में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। महोत्सव का उद्घोष करने के उद्देश्य से मंदिर जी से यह शोभा यात्रा शुरू हुई, जिसमें भक्तों ने बड़ी संख्या में हर्ष पूर्वक सहभागिता कर पुण्य लाभ उठाया। यात्रा में शामिल 1008 श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के साथ ये यात्रा निकालते हुए हमारा मन उल्लासित है। बहुत ही हमारे खुशी का दिन है। तीन लोक के नाथ भगवान महावीर स्वामी की जन्म कल्याणक रथ यात्रा जो कि 21 अप्रैल को यहाँ से पूरे नगर भ्रमण के लिए निकाली जाएगी, शुभारम्भ किया जाएगा। उसका आज पहला चरण विधिवत रूप से शुरू हो गया, जिसमें त्रिशला माता का डोला जयपुर हाउस नगरी में भ्रमण करके वापस मंदिर जी में आ रहा है। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पुरुष नृत्य करते हुए, भक्ति करते हुए और अपने पुण्य का संपादन करते हुए आज बड़े उत्साहित हैं, प्रसन्न हैं। आज महावीर जयंती का शुभारम्भ जयपुर हाउस में प्रारंभ हो चुका है। माता त्रिशला का डोला आज निकाला गया, उसी से आज लगता है कि सभी लोगों में खुशियां का माहौल बना हुआ है। पूरा समाज एकता में प्रो कर आगे बढ़ता चला जा रहा है और 19 अप्रैल को यहां पर विधान होगा, उसके बाद मेहंदी होगी और माता की गोद भराई होगी और उसके 21 अप्रैल को यहां से एक बड़े जुलूस के रूप में यहां से माहौल बनेगा जो पूरे आगरा के अंदर घूमेगा और उसके बाद वो शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर MD जैन कॉलेज पहुँचेगा और 22 तारीख को उसी तरह दोबारा वो यहाँ पर लौट के इसका समापन होगा। इस महाआयोजन में स्वास्तिक महिला मंडल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंडल की महामंत्री सरिता काला ने इस पूरे आयोजन की रूपरेखा स्पष्ट की। हमारे जयपुर हाउस समाज का बड़ा ही सौभाग्य है कि हम लोगों को महावीर जन्म कल्याणक की रथ यात्रा का शुभारंभ करने का सौभाग्य मिला है और आज से हमारे जो महावीर जन्म कल्याणक के प्रोग्राम्स हैं वो चालू हो चुके हैं। आज सर्वप्रथम माता त्रिशला का डोला हमारे मंदिर जी से भ्रमण करता हुआ, पूरे जयपुर हाउस में भ्रमण करता हुआ वापस मंदिर जी में आया है और शाम को तो 7 दिन से लगातार भक्ति संध्या का कार्यक्रम हम महिला मंडल के द्वारा कराया जा रहा है और कल सुबह एक भव्य विधान का आयोजन है। उसके बाद हमारे महिला मंडल के द्वारा एक मेहंदी का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें पूरी समाज की महिलाओं को मेहंदी लगाई जाएगी। उसके बाद 3 बजे से माता की गोद भराई का कार्यक्रम होगा और बहुत ही आनंद आ रहा है। ये जन्म कल्याणक जो 4 दिन का प्रोग्राम है, हम सभी लोग जयपुर हाउस के सभी समाज के लोग बहुत उत्साहित हैं और बहुत ही आनंद के साथ हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आयोजन समिति के अध्यक्ष राकेश जैन परदेवालों ने बताया कि 5 दिवसीय श्री महावीर स्वामी पंच कल्याणक एवं रथ यात्रा उत्सव को लेकर पूरे जयपुर हाउस क्षेत्र के समाज के लोगों में हर्ष का माहौल बना हुआ है। इस बार आगरा में आदिनाथ से महावीर तक 16 दिवसीय कार्यक्रम है। शहर के सभी मंदिरों में रोज आरती और भजन संध्या का कार्यक्रम चल रहा है। महावीर जयंती का कार्यक्रम का 5 दिवसीय कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है। आज माता त्रिशला का डोला जयपुर हाउस नगर में घुमाया गया है। कल विधान होगा और मेहंदी होगी। पूरा कार्यक्रम धूमधाम से चल रहा है पूरे शहर के लिए। हम ये कहेंगे कि हमारे सभी कार्यक्रमों में आके अपनी सहभागिता करें। 21 तारीख को भगवान महावीर का रथ यात्रा जयपुर हाउस से प्रारंभ होकर पूरे नगर भ्रमण करके MD जैन इंटर कॉलेज तक पहुंचेगी। ये कार्यक्रम हमारा है। 22 तारीख को रथ की वापसी होगी। 1008 श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से निकली माता त्रिशला की भव्य शोभा यात्रा का पूरे जयपुर हाउस, आलोक नगर और प्रताप नगर में भक्त जनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। विभिन्न मांगलिक गतिविधियों के साथ ये महोत्सव 21 अप्रैल को सानंद संपन्न होगा।
आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।